है एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सादियाज है ना। सो आज क्लास वन में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी मेहंदी सीखने के लिए, और नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेसिक सिंपल डिज़ाइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक ड्राइंग बुक। आप सिंपल सी सेपरेट ड्राइंग शीट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पर जो ड्राइंग बुक है ये स्पेशली मेहंदी के लिए यूज़ होती है। इसके हर पेज के साथ एक बटर पेपर अटैच है ताकि जब मेहंदी हम लगाते हैं पेपर पर तो उसका स्टेन दूसरे पेजेस पर भी आ जाता है, तो इस बटर पेपर की मदद से वो चीज़ें नहीं होंगी। अब हम ले लेंगे एक पेंसिल इरेजर और स्केल, एक मेहंदी की प्रैक्टिस के लिए कोन, फिर यहाँ पर मेरे पास है दो एक्रेलिक हैंड मेहंदी प्रैक्टिस के लिए, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास नहीं है तो सो इट्स ओके, आप नॉर्मली पेपर की शीट्स पर भी हैंड्स ड्रॉ कर उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट ये वॉशेबल होते हैं तो इजी हो जाता है हमारे लिए। यहाँ पर मैं ग्लू ले रही हूँ ताकि हम हमारे डिज़ाइन को सिक्योर कर सके। और यहाँ पर है मेरे पास मेरी कुछ बेसिक डिज़ाइंस के पैम्पलेट्स जो मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में हमारे स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए यूज़ करती हूँ, तो मैं आपके साथ भी वही टेक्निक से ट्रिक्स और वही कोर्स ऑनलाइन शेयर करने वाली हूँ। सो आप वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आप बहुत ही अमेजिंग और इजी ट्रिक्स के साथ मेरे साथ मेहंदी सीखने वाले हो। अब हम बेसिक सिंपल सी लाइन्स ड्रॉ कर क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोन्स को पकड़ना नहीं आता अच्छे से तो मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में कोन को पकड़ने की टेक्निक शेयर की है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। सो यू कैन सी कि हमें हवा में ऐसे उठाकर लाइंस को ड्रॉ करना है। हमें कोन्स और पेपर को टच करके लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, क्योंकि वो लाइन स्प्रेड हो जाएगी और इतनी फिनिशिंग से नहीं आ पाएगी। यहाँ मैंने कैमरे का एंगल चेंज कर दिया है क्योंकि कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा था ठीक से, तो मैं आपको ठीक से दिखाती हूँ कि कैसे उठा के लाइन्स को ड्रॉ करना है। तो जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल आपने वैसे ही करना है। आप पहले इसे पेंसिल से ड्रॉ कर लें, फिर आप पेंसिल से ड्रॉ की गई लाइन पर कौन से ड्रॉ करें। ऐसा करने से आपके हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी। बहुत लंबी लाइन ड्रॉ करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहले आप छोटी सी लाइन ड्रॉ करें, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी, उसके बाद और उससे थोड़ी सी बड़ी, ऐसे करते करते आप एक लॉन्ग लाइन बनाना सीख जाओगे। इट्स ओके, कोई भी चीज़ पहली बार में किसी से भी नहीं होती है। जब तक आपको ये लाइन ड्रॉ करना ना आए आपको, तब तक इसे कम्प्लीटली प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद ही सेकेंड एलिमेंट्स पर जाना है। सो अब हम बोर्ड लाइन क्रिएट करना सीखेंगे। सो इसमें हमने पहले दो पतली लाइंस को ड्रॉ करना है जो हमने ऊपर के एलिमेंट्स में बनाना सीखा, बिल्कुल उसी टेक्निक से हम बनाएंगे। सी यहाँ पर मैं आपको एक और बार ये बनाना सिखाती हूँ। बिल्कुल भी आपको ऊपर नीचे कर कर इसे फिल नहीं करना, आपको स्ट्रेट लाइन में हाथ पर ज़्यादा प्रेशर दे के ही इसे फिल करना है। अब हम इसी टेक्निक के साथ क्रॉस लाइन बनाना भी सीखेंगे। हर तरीके से क्रॉस लाइन बनाएंगे ताकि आपकी हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो सके। आप देख सकते हो कि मैं इसे किस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ, आपने भी बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ मैं आपको एक छोटा सा सैंपल बता रही हूँ, लेकिन आपको तब तक करना है जब तक आपके हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव ना हो और आप इसे हर तरीके से ना ड्रॉ कर पाओ, तब तक आपको इसे कॉन्स्टेंटली क्रिएट करते रहना है। अब मैं आपको बताती हूँ परफेक्टली हम्स लाइंस बनाना। इसे मे बी इसे ही हिंदी में किंगरी बोलते हैं, लेकिन हम इसे हम्स बोलते हैं। सो हम्स को क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले एक थिन लाइन को ड्रॉ करेंगे, फिर हम इस तरीके से छोटे छोटे से लॉन्ग कर्व्स लेते हुए हम्स को क्रिएट करेंगे। मेक श्योर कि आप जब भी इसे क्रिएट करो इसे एज अ शेडिंग और शेडिंग के तरीके से बिल्कुल क्रिएट मत करो, क्योंकि जब मेहंदी का कलर आएगा तो इसमें बिल्कुल भी कलर नहीं आएगा और आपकी डिज़ाइन कलर आने के बाद बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखेगी। तो मेक श्योर कि आप इसे एक एक कर कर ड्रॉ करें और विजिबिलिटी के साथ ड्रॉ करें कि दिखाई दे। अब एक हम्स की लाइन हम बोल्ड वाली लाइन के साथ भी ड्रॉ करेंगे। सी जैसे मैं कर रही हूँ आपको बिल्कुल उसी तरीके से क्लियरली करना है, और इसकी प्रैक्टिस तब तक करनी है जब तक आप इसे कम्प्लीटली क्रिएट करना ना सीख जाओ। अब हम सिंपली स्पाइरल ड्रॉ करेंगे।
दो तरीके के स्पाइरल होते हैं, एक सिंपल स्पाइरल होते हैं और एक हम्स के साथ वाले स्पाइरल्स होते हैं। तो पहले हम सिंपल स्पाइरल ड्रॉ करना सीखेंगे। सी हम इसे विजिबिलिटी के साथ परफेक्टली ज़्यादा लेयर्स में ड्रॉ करेंगे। ज़्यादा लेयर्स में ड्रॉ करने पर ये और ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं और पूरी विजिबिलिटी के साथ ड्रॉ करेंगे। तो हर एलिमेंट को तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक आपको नहीं आ जाता। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट कर बता रही हूँ, लेकिन आई एम श्योर कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई सी चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर बता सकते हैं, मैं आपको वहाँ बता दूँगी। सो अब हम हम्स वाले स्पाइरल क्रिएट करेंगे। सो जो बिगनर है उनके लिए परफेक्टली ट्रिक है कि आप इसे चारों तरफ से पहले छोटी छोटी सी लाइन को क्रिएट कर दे, फिर आपको सिंपली हम्स को क्रिएट करना है जैसे मैं कर रही हूँ। सी ये कितना इजी हो जाता है इस टेक्निक के साथ। सो मैं आपको नॉर्मली भी लगा कर दिखाती हूँ। मेहंदी डिज़ाइन में ये बहुत ही ज़्यादा एक कॉमन और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिससे हम बंच क्रिएट कर सकते हैं, जिसके हम फिलर एलिमेंट के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अब मैं आपको छोटे छोटे से तीन हम्स को एक साथ क्रिएट कर बताती हूँ कि आप इसे जॉइंट कैसे कर सकते हो। एक हम्स हम पूरा बनाएंगे, उसके बाद हम दो हाफ हम्स क्रिएट करेंगे। तो सिंपली ये तीन हम्स का बंच रेडी हो जाएगा छोटा सा। टेक्निक के साथ करने से ये कितना ईजी हो जाता है, तो आप मेरी हर टिप्स एंड ट्रिक्स को याद रखिएगा। कोई ज़रूरत नहीं है अगर ये आपसे एक साथ नहीं बन रहा, आपका हाथ जब अटक रहा हो तो आपको अपने हाथ को उठाकर उसे वापस से क्रिएट करना है। इट्स ओके, मैं भी इसी तरीके से क्रिएट करती हूँ, फिनिशिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब हम सिंपल वाले स्पाइरल को एक साथ क्रिएट कर उसका भी एक छोटा सा बंच क्रिएट करेंगे, जो गर्ल्फ मेहंदी डिज़ाइन में भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है और गर्ल्फ डिज़ाइन तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल। और हमारे 3D फ्लावर के रोजेस के साथ भी ये एलिमेंट्स बहुत ही अच्छे से जाता है। तो सी ये कितना सिंपल और कितना ब्यूटीफुल दिखाई देता है। स्पाइरल का सिंपली आपको एक स्पाइरल का बंच क्रिएट करना है और उसकी एजेस को बोल्ड कर देना है। नेक्स्ट वाला एलिमेंट भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ये भी बंचेस में बहुत ही ज़्यादा 3D इफेक्ट देता है, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है और गर्ल्स डिज़ाइन में भी ऑफ कोर्स यूज़ होता है। सो सिंपली हमें क्या करना है कि एक स्पाइरल को ड्रॉ करना है, उसके बाद एक बड़ा सा डॉट बनाते हुए उसे डॉट को फिल करना है और पॉइंट्स वाले वेव्स बनाने हैं। नॉर्मल वेव्स डिफरेंट होते हैं जो मैं आपको चेक्स डिज़ाइन में सिखाऊंगी, लेकिन ये पॉइंट वाले वेव्स है, किंगरी भी बोलते हैं इसे। सी ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को आपको क्लियरली माइंड में याद रखना है। अगर आपको याद नहीं रहता है तो जैसे मैं बोल रही हूँ तो आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हो, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, या फिर आप वीडियो को रिवाइंड कर भी देख सकते हो। अब मैं आपको ये नया एलिमेंट सिखा रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है और आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है, स्क्वायर। किसी भी बंच में हम स्क्वायर लेते हैं तो वो 3D इफेक्ट देता है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी दिखता है वो। तो इससे बिगनर्स बहुत गलती करते हैं बनाने में, तो मैं आपको इसकी बहुत ही ज़्यादा इजी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर रही हूँ, तो आप इसे कंप्लीट देखें। सो सबसे पहले मैंने एक थिन लाइन को ड्रॉ किया है, उसके बाद मैं बोल्ड वाली लाइन को ड्रॉ करूँगी और उसके बाद मैं हम्स को क्रिएट करूँगी। उसके बाद यहाँ मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करूँगी, लाइन को उठाते हुए ड्रॉ करना है। इसके बाद उसके अंदर एक छोटा सा स्क्वायर वापस उसी टेक्निक के साथ ड्रॉ करूँगी, फिर वापस बाहर एक स्क्वायर ड्रॉ करूँगी और इसे बोल्ड कर दूँगी। अब वापस से मैं एक थिन लाइन ड्रॉ करूँगी स्क्वायर में। अब यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरीके से हम्स को ड्रॉ कर रही हूँ। हम्स को वहाँ तक ड्रॉ करूँगी जहाँ पर इस लाइन का एंड है। सी एवरीवन, अब यहाँ सारे बिगनर्स बहुत ही बड़ी गलती करते हैं कि आप यहाँ कर्व्स लेकर सेकेंड लाइन के हम्स को क्रिएट कर देते हैं, तो इसका जो एजेस होता है ना वो राउंड हो जाता है। अब इसे शार्प कैसे बनाना है वो आप ध्यान से देखिएगा। सी अब मैं यहाँ से नई हम्स की लाइन को क्रिएट करूँगी उसी पॉइंट पर। सी बिल्कुल इसी तरीके से सी के ये पूरा स्क्वायर कितना पॉइंटेड बना हुआ है। अगर आप इसे डायरेक्टली हम्स को क्रिएट कर देते तो ये पॉइंट की जगह से सर्कल हो जाता, कर्व हो जाता और इतना शार्प ये नहीं क्रिएट हो पाता। सो आपको मेरी ये वाली टेक्निक हमेशा अपने माइंड में रखनी है और
इसी तरीके से इसे ड्रॉ करना है, चाहे आप बड़ा स्क्वायर ड्रॉ कर रहे हो या छोटा कर रहे हो या किसी और तरीके से आप मेहंदी में स्क्वायर को क्रिएट कर रहे हो। जब आप हम्स वाली लाइन से उसे बॉर्डर दे तो बिल्कुल इसी टेक्निक के साथ ही दे, तभी ये पूरा पॉइंटेड क्रिएट होकर आएगा। सो या इन सभी एलिमेंट्स को आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए और भी ज़्यादा अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ बहुत ही अच्छी डिज़ाइंस लेकर आऊँगी। आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे और ये सारे एलिमेंट्स को आपको बहुत ही अच्छे से कम्प्लीटली प्रैक्टिस करना है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी वीडियो शेयर करें ताकि वो भी फ्री में कंप्लीट मेहंदी का कोर्स सीख सके और एक बहुत ही अच्छे मेहंदी आर्टिस्ट बन सके और सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरी वन। सो मिलते हैं हमारे क्लास 2 के वीडियो में।